करूं? सीमा सचिन कह के बुलाए। सीमा सचिन जी सर, यानी कि आप इस्लाम से हिंदुत्व में आ गए? कब के, बहुत समय पहले की। तो दोस्तों एक बात ये बिल्कुल सही कह रही है, इसकी सहेली ने भी कहा है ये कभी मुसलमान थी ही नहीं। जी हाँ, ये पाकिस्तान की इसकी फोटो है, तस्वीर के अंदर साफ दिख रहा है ये हिंदू महिलाओं की तरह बिंदी लगाई हुई है। जी हाँ, ऐसे ही कई सारी आपको तस्वीरें सोशल मीडिया पर इसकी मिल जाएंगी। सीमा का स्वागत नहीं कर रहे? अरे मैं ना कर रहा स्वागत, मैं तो बाबा निकल रहा, मोटरसाइकिल मेरी वो खड़ी। अब ये घोड़ी मीडिया वालों की जेंट में खाली चरपटे मानना बाकी रह गया। जहाँ पर भी जो भी दिख रहे उनको पूछ रहे सीमा हैदर है तो कैसा दिख रहा? डर नहीं लग रहा? नहीं सर, अब तो डर पाकिस्तान से लग रहा है। फतवे जारी हो जाएंगे? हो जाएंगे आई थिंक। कई लोग पाकिस्तान के जो मौलाना है वो कह रहे हैं सीमा जो पाकिस्तान गई है इस्लाम का भी उल्लंघन है और हमारे धर्म का उल्लंघन है, हमारे देश का उल्लंघन है, इस पे आप क्या कहेंगे? किसी का कुछ भी नहीं है, वो उनके दिमाग की बात है। मैं खुश हूँ, यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, बच्ची नहीं हूँ। तो ऐसा ऐसा कोई भी इस्लाम नहीं कहता कि आप इस धर्म में ज़बरदस्ती रहो, हर किसी के मन की बात है। पाकिस्तान सरकार ने अभी तक इस मामले को लेकर कुछ भी खुलासा नहीं किया है, ना कुछ बात की है। मीडिया वाले जाहिर सी बात है पाकिस्तान सरकार का नाम लेके बात कर रहे हैं और हमारी अवकाली मुर्दों की मीडिया लोगों के गाड़ियां रुका रुका कर सीमा हैदर के बारे में पूछ रही है। सीमा आ गई है पाकिस्तान से? भैया सीमा आई है पाकिस्तान से, कितना खुश है? भैया बहुत खुश है। हाँ। आप लोग सीमा से खुश है? पाकिस्तान से आई है वो? हाँ सही। आप लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? जो सोचा। अभी चिचा जो कोई भी हो मगर इनका हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया, सुपरमैन की याद दिला दिया बचपने वाले। आज एक मामूली सी औरत प्रवेश कर गई है, कल दुश्मन प्रवेश कर सकता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान से आई है सीमा हैदर। तो फिर पब्लिक कब बोली रे भाई जापान से आए बोल के? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीमा जी आप पाकिस्तान से आई है? अब सीमा हैदर भी सोच रही होंगे आखिर कितने बार तो भी पूछता रहे भाई पाकिस्तान पाकिस्तान बोल के, आके भी जमाना हो गया, मुर्दा यहाँ से निकाल लूंगा इसका। एक घोड़ी मीडिया वाले लाखों रुपए का कैमरा लेके हजारों का माइक लेके सीमा हैदर से मिलने जा रहे मगर उसके घर में कम से कम एक स्प्रे भी नहीं लेके जा रहे मक्खियां मारने का, जिसकी वजह से जब ये लोग बात करे तो मक्खियां इन लोगों के मुंह के अंदर घुस जा रही कर रहे हैं। उनको यही कहूंगी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चिंता मत करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मेरे पक्ष में है उनको धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे मेरे साथ ही रहें ताकि मुझे यहाँ की नागरिक। कैसे बनी ये लव स्टोरी? ये लव स्टोरी गेम से बनी, पबजी गेम से। पबजी गेम से जी। आपके हाथों पे कुछ निशान है जिसके बारे में ज्यादा लोगों ने बात नहीं की, लेकिन मैं उन पे बात करना चाहूंगा, क्या ये निशान हैदर के दिए हुए? नहीं। अरे वो हेंद्रे का पूरे सचिन के दिए हुए निशानों को हैदर के निशाना बोल रहा, हैदर के चार निशाना जो है ऑलरेडी सबको मालूम ही।